नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वीवो के V27 यानी दोस्तों V27 के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी पॉपुलर है वीवो की तरफ से और इस फ़ोन में हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इसमें नेगेटिव हैं, बट फिर भी ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है वीवो की तरफ से क्योंकि इसकी डिज़ाइन, कैमरा वगैरह काफ़ी अच्छे हैं इस फ़ोन के अंदर। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर इस फ़ोन के एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, जो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने अपडेट ना किया है और ना ही दोस्तों इसको डाउनलोड किया है। तो दोस्तों देखिए, ये है वो अपडेट जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जिसको मैं सिर्फ चेक किया था तो अपडेट यहाँ पर शो कर रहा था, तो मैं सोचा पहले वीडियो में ही आपके सामने इसको डाउनलोड करूँगा, इंस्टॉल करूँगा बाद में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस अपडेट के साइज़ के बारे में। तो ये है दोस्तों, देखिए 0.97 GB यही समथिंग दोस्तों, ये 1 GB के आसपास का ये अपडेट है। 970 MB का ये अपडेट है, तो ये 1 GB से थोड़ा कम है। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है दोस्तों, क्योंकि अगर अगर किसी कंपनी ने हमें कोई अपडेट दिया है जो साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो उसमें हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, या फिर ये मान लो कि जो भी हमारे फ़ोन में कमियाँ होती हैं, जो इशू हमें नहीं आते हैं, वो सब फिक्स कर दिए जाते हैं। तो V27 में दोस्तों वीवो ने अपडेट दिया है, जिसमें आपको दोस्तों ये देख सकते हो स्क्रीन पर कि एक तो आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा, जबकि दोस्तों 1 अगस्त आज लग चुका है, बट फिर भी इसमें हमें जुलाई मंथ का अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिला है। और जो जितनी भी सिस्टम, जो भी चीज़ इसमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो। ये सारी हमें इस अपडेट को करने के बाद हमारे फ़ोन में ये इम्प्रूव होके मिलेंगी। और दोस्तों साथ साथ आपको एक चीज़ का और बता दूँ मैं कि जो जो अपडेट है इसको जब आप करोगे तो हमारे फ़ोन की, जो आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ है दोस्तों, वो भी काफ़ी हद तक और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आप देख सकते हो कि ऑप्टिमाइज सिस्टम, रिसोर्स एलोकेशन मैकेनिज्म, फोन फॉर एन इवन लॉन्गर बैटरी लाइफ। मतलब दोस्तों जब आप इस अपडेट को कर लोगे तो जो इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा कि आपकी फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें अपडेट दिए गए हैं ऐप के अंदर, जब आप इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लोगे तब। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको करता हूँ डाउनलोड, और अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आप फटाफट से इस अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, और फिर दोस्तों आप चेक करना कि आपके फ़ोन में क्या क्या नई नई चीज़ें इसमें शो हो रही हैं, और क्या क्या दोस्तों आपके फ़ोन में कमियां थी वो सुधर के आई हैं। क्योंकि जब तक आप इस अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिखने में और फिजिकली यूज करने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप एक बार इस अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो, और उसके बाद दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके फ़ोन में इस अपडेट को करने के बाद क्या कोई कमी आई है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट होके मिले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।